गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट मींस कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कोई सारे मिरर का यूज करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें इमेज कैसा बनता है। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी तक थ्री टाइप्स ऑफ मिरर आ गया, तीन तरह का मिरर आ गया है ना। कौन कौन सा थ्री टाइप्स का है? पहला है प्लेन। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लेन मिरर है, ठीक है, और हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर खड़ा करते हैं तो क्या होगा? जो इसका इमेज बनेगा, इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? सेम साइज का होगा, है ना। कैसा होगा? सेम साइज का। अब जो मिरर के अंदर जो इमेज बनता है वो कैसा होता है? वर्चुअल, याद रखिएगा। यानी कोई सा भी मिरर को हम यूज करेंगे, कोई सारे मिरर को हम लोग यूज करेंगे और मिरर के अंदर हमको इमेज देखना है तो वो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। यानी कि आपको कोई सारे मिरर यूज करना है तो पहले उसमें देखना कि वर्चुअल इमेज कैसा बनता है। रियल इमेज के लिए अलग यूज है, रियल इमेज के लिए आपको अलग से एक स्क्रीन लेना होगा। ठीक है, इमेज मिरर यहाँ पर होगा, स्क्रीन क्या होगा? यहाँ पर होगा, तो उसका यूज नहीं करना अभी, हमको वर्चुअल इमेज का यूज करना है। तो प्लेन मिरर में सेम साइज का होगा। ठीक है, तो हम लोग जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हम लोग जो डेली एक्टिविटी करते हैं, हेयर चेक करने के लिए या फिर अपना ड्रेस चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो कैसा मिरर होता है? प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर सिंपल मिरर होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कनकेव मिरर एंड यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। सपोज हम यहां पर कनकेव मिरर रख दिए। ठीक है, कनकेव मिरर रखें, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या होता है? सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कैसा बनेगा? इसका इमेज ऑफ कोर्स क्या बनेगा? लार्ज इमेज बनेगा। यानी ऑब्जेक्ट मेरा यहां पर है तो इमेज मेरा क्या होगा? इमेज क्या होगा? इससे लार्ज बनेगा। इमेज क्या बनेगा? लार्ज। तो लार्ज इमेज बनता है तो उसका यूज क्या होगा? ठीक है, तो इसका यूज है, पहला यूज है कि जनरली इट इज यूज्ड इन सेविंग मिरर। हम लोग जो जेंट्स लोग जो क्या करते हैं, वाइज लोग जो क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो उसमें कहीं भी दाढ़ी, अगर दाढ़ी क्या है, कहीं छूट जाता है तो उसको अच्छे से देखने के लिए कि सारा सेविंग जो अच्छा से हुआ है कि नहीं, कहीं तो छूट तो नहीं गया, तो इट इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। ठीक है, पहला यूज क्या है? कनकेव मिरर इज यूज्ड एज सेविंग मिरर। ये बॉयज लोग यूज करते हैं। अब कनकेव मिरर का क्या है? गर्ल्स यूज नहीं करती है, तो गर्ल्स भी यूज करती है। किस तरह से यूज करती है? तो मेकअप मिरर में। ठीक है, मेकअप के लिए हम लोग, मेकअप में बहुत सारा सामान होता है। ठीक है, बॉयज लोग का पता नहीं, गर्ल्स लोग बहुत सारे मेकअप करती है। ठीक है, आई लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया, तो बहुत सारा जो पार्ट होता है मेकअप का, उसको चेक करने के लिए कि सही से वो लगा है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो उसको हम लोग यूज करते हैं। गर्ल्स लोग यूज करते हैं किस लिए? मेकअप करने के लिए, कि मेकअप मेरा जो हुआ है सही से हुआ है कि नहीं, कहीं छूट तो गया है कि नहीं। तो बॉयज लोग के लिए सेविंग मिरर और गर्ल्स लोग के लिए मेकअप मिरर। ठीक है, थर्ड है, इसका यूज है जो डॉक्टर्स लोग भी करते हैं, डेंटिस्ट लोग भी करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन यूज करता है इसका? डेंटिस्ट। हमारा जो इंटीरियर पार्ट ऑफ टीथ है, टीथ के ऊपर हम लोग अच्छे से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, छोटा सा कनकेव मिरर हैंडल्स के सहारे से अंदर डालते हैं और देखते हैं कि ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट ऑफ द टीथ है, जो कहीं पर डैमेज तो नहीं है, कहीं पर सड़ा हुआ तो नहीं है। तो डेंटिस्ट लोग इसको चेक करते हैं और डॉक्टर्स भी चेक करते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी चेक करते हैं हमारे ईयर को चेक करने के लिए या फिर नोज को चेक करने के लिए, हमारे आई का जो इनर पार्ट है, अंदर वाले पार्ट को, हिस्से को देखने के लिए डॉक्टर्स भी क्या करते हैं? इसको चेक करते हैं। ठीक है, यूज करते हैं। नेक्स्ट है, इसका यूज होता है हेडलाइट रिफ्लेक्टर में। आप देखिएगा टॉर्च में, ठीक है, टॉर्च में देखिएगा तो आपको छोटा सा यहाँ पर एक कटोरी दिखेगा, वो कैसा रहता है? कनकेव मिरर रहता हुआ। ये क्या करता है? लाइट को आपको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? हेडलाइट रिफ्लेक्टर। ठीक है, लाइट को ये क्या करता है? पैरेलल भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया हेडलाइट रिफ्लेक्टर में। ठीक है, तो ये सारा यूज किसका है? ये सारा यूज हमारा कनकेव मिरर का। ठीक है,
तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। वेरी गुड। तो याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आएगा अगर पूछेगा यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, या फिर लेंस के बारे में पूछेगा, यूजेज ऑफ कॉनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले देखना है कि उसमें इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज कैसा बनता है। ठीक है, यानी कि मिरर है तो वर्चुअल इमेज मिरर के अंदर कैसा बनता है, बड़ा बनता है छोटा बनता है, उसी अनुसार उसका यूज आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं कि बड़ा इमेज हमको कहाँ पर चाहिए, छोटा इमेज हमको कहाँ पर चाहिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए, कन्वेक्स मिरर का यूज पढ़ने से पहले, कन्वेक्स मिरर में इमेज को हमको फॉर्म करना है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं, ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तो इसका इमेज बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, बताइए इसका इमेज बड़ा बनता है कि छोटा बनता है। अगर ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, उसको ऑब्जेक्ट के सामने रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, बिग या स्मॉल, जल्दी बताइए। वेरी गुड, कैसा बनता है, स्मॉल बनता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, ठीक है, लेकिन कन्वेक्स मिरर के सामने वो आएगा तो वो छोटा हो जाएगा, ठीक है, कन्वेक्स मिरर के सामने आएगा तो क्या हो जाएगा, वो छोटा हो जाएगा और मिरर से पास आ जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट दूर का है तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ करना है, हमको छोटा इमेज कोई चाहता है, कोई चाहता है कि हम बहुत बड़ा है और मिरर के सामने आए हम छोटा हो जाए, कोई चाहता है, नहीं चाहता है, ठीक है, लेकिन इसका यूज है, इसका यूज है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में। ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या यूज है, हम लोग यूज करते हैं इसको साइड व्यू मिरर किसमें, बाइक, कार, बस, ट्रक्स, ठीक है, इसी तरह से बाइक, कार और बस में जब हम लोग बाइक चलाते रहते हैं तो हम अपना सर पीछे तो नहीं देखेंगे, पीछे सर करेंगे तो आगे क्या होगा, आगे से हमें आके एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम लोग बाइक चलाते हैं तो यहाँ पर मिरर लगा होता है, मिरर में देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी आ तो नहीं रहा तेजी से, हमें अगर कहीं पर लेफ्ट टर्न लेना है या राइट टर्न लेना है तो टर्निंग के समय हम देखते हैं कि कोई बाइक या कोई व्हीकल्स पीछे से तो आ तो नहीं रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई बाइक दूर पर भी है तो आपको आपको सामने वो दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम साइड मिरर का देखते हैं, और कोई दूर से भी कोई बस आ रहा है, कोई हमसे चाहता है कि पास लेना चाहता है तो देखते हैं कि कौन सा गाड़ी है, कहीं एम्बुलेंस तो नहीं है, तो एम्बुलेंस को है तो उसको क्या करना, एम्बुलेंस को पास देना, अपने गाड़ी को क्या करना, साइड करना है, एम्बुलेंस को क्या करना, उसको पास दे देना, जाने देना है। ठीक है, तो ये हो गया साइड व्यू मिरर, बाइक, कार, बस। अब एक और इसका होता है जो रियर व्यू मिरर। ठीक है, ये साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर में क्या डिफरेंस है, देखिए आप सब लोग बस में बैठे होंगे तो बस से उतरते हैं तो ड्राइवर के सीट के ऊपर, यहाँ पर सपोज हम ड्राइवर हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक रियर व्यू मिरर होता है, ये आपको दिखाता है कि पैसेंजर सही से सीट पर बैठा हुआ तो नहीं, कौन सा पैसेंजर उतरना चाह रहा है, अगर पैसेंजर उतरना चाह रहा है तो हमको बस को रोकना है और पैसेंजर को उतरने के बाद बस को क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक रियर व्यू मिरर होता है, वो पूरे सीट को एक छोटे से मिरर में, पूरे पैसेंजर के सीट को एक छोटे से मिरर में क्या करता है, हमको रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया रियर व्यू मिरर, ये पैसेंजर को देखना है, बाहर की चीज को नहीं देखना है, किसको देखना है, पैसेंजर को देखना है, सही से वो बैठा हुआ, सही से उसको उतरना है कि नहीं उतरना है, हम ऐसा नहीं उतरते उतरते हम क्या करते हैं, बस को स्टार्ट कर दिए तो पैसेंजर क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को रियर व्यू, ड्राइवर के सीट के ऊपर रियर व्यू रहता है, ठीक है, पैसेंजर को अच्छे से चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूज है नेक्स्ट है शॉप सिक्योरिटी मिरर। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो शॉप फ्लोर होता है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, अलग अलग फ्लोर आप लोग मॉल में गए होंगे तो देखे होंगे शॉप फ्लोर होते हैं, तो शॉप फ्लोर तो बहुत बड़ा है, हम लोग तो देख नहीं सकते कि कौन सा मेरा कस्टमर किस पार्ट पर है, किस रे में है, ठीक है,
क्या करते हैं, जो फ्लोर होता है शॉप का, जो फ्लोर होता है उसके ऊपर हम कॉर्नर में एक छोटा सा, आप सीसीटीवी कैमरा देखो ना, सीसीटीवी कैमरा तो वैसा ही एक छोटा सा मिरर लगा होता है, जो क्या करता है मिरर में हम देखेंगे तो पूरे फ्लोर का हमें कस्टमर एक साथ दिखाई देगा छोटे से मिरर में, ठीक है। सीसीटीवी कैमरा तो मॉनिटर करता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं शॉप सिक्योरिटी मिरर लगाते हैं, कन्वेक्स मिरर लगाते हैं गोल सा यहाँ पर, और ये क्या करता है इसमें हम देखेंगे सारे कस्टमर कौन सा कस्टमर किस रे में है उसको हम चेक करते हैं। तो ये कुछ यूज है किसका, कन्वेक्स मिरर का, ठीक है। हमको जल्दी से बताइए ये सब समझ में आया है कि नहीं आया। यहाँ पर क्या है, ये मेरा पूरा का पूरा मॉल का जो सीलिंग है, ये क्या है मॉल का सीलिंग, सीलिंग में हम क्या कर दिए ये कन्वेक्स मिरर लगाए, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर लगाए हम। अब इस मिरर में हमको पूरे फ्लोर का कस्टमर कहाँ कहाँ पर है सब कुछ दिख रहा है, यस या नो, समझ में आ रहा सबको, ये बताइए जल्दी से। ठीक है, देखो कनकेव मिरर में उल्टा नहीं बनता, सीधा बनता है, समझे, हम लोग वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हैं। चलिए अगला है दूसरा, नेक्स्ट है, ये कौन सा है रियर व्यू मिरर, ये क्या होता है ड्राइवर के सीट के ऊपर हम पीछे देखते हैं कौन सा पैसेंजर या फिर कौन सा व्हीकल सामने पीछे से आ रहा है, ठीक है। ये सॉफ्ट सिक्योरिटी मिरर, यहाँ पर ये लगा हुआ है ट्रैफिक मिरर, ये ट्रैफिक में लगा हुआ है कि गाड़ी कोई तेजी से तो नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, देखिए समझ में आ रहा है ना, ये क्या है हमारा सेविंग, ये मेकअप के लिए, ठीक है, मेकअप में जो हमारा सामान है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट लोग चेक करते हैं इस तरह से कि सही से मेरा दांत जो है कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यूज इन टॉर्च बीम लाइट और ये सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। ठीक है, कनकेव मिरर में इमेज कैसा बनता है, कनकेव मिरर में बनता है इमेज लार्ज, ठीक है। अब देखिए इसका हाथ देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, तो इमेज कैसा बनता है लार्ज साइज। सबको क्लियर हो गया यहां तक, एवरीथिंग इज क्लियर,
ठीक है, तो ये मेरा मिरर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। लेंस और थिन लेंस, ठीक है, थिन लेंस या लेंस दोनों क्या है, एक ही है। व्हाट इज लेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस एंड मिरर। देखिए, ए मिरर हैज टू पार्ट्स, ए मिरर हैज टू पार्ट्स, इट मींस वी कैन से दैट ए मिरर हैज टू सरफेस, वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अनदर इज पॉलिश सरफेस। ठीक है, यानी कि लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बट हमारा जो लेंस है वो लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है। हमारा जो लेंस है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, यानी लाइट इससे क्या होते हैं, पास होते हैं। तो लेंस हमारा होता है जनरली वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनता है। ठीक है, लेंस किसका बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, इससे क्या होती है, लाइट पास कर जाती है। ठीक है, मिरर से लाइट पास नहीं करेगा, मिरर से क्या होगा, लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मिरर से क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट लेंस क्या होता है, लाइट को पास करता है। सो व्हाट इज लेंस, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ए लेंस इज मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो कर्व सरफेस होता है, किसमें, लेंस में, और ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बनता है। ठीक है, याद रखिएगा, लेंस है इसका मतलब किससे बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। देखिए क्या होता है लेंस, ए लेंस इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बॉन्डेड बाय वन और मोर कर्व्ड सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ लेंस, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेंस, पहला है कॉनकेव लेंस, दूसरा है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस किसको कहेंगे, कॉनकेव लेंस व्हिच इज, ए कॉनकेव लेंस इज दैट हैविंग थिकनेस लेस इन सेंटर और मिडिल। ठीक है, मिडिल पार्ट में, सेंटर में जब इसको हम टच करेंगे तो बीच में क्या होगा, पतला होगा, और साइड में यहाँ पर टच करेंगे, लेंस को जब टच करेंगे तो यहाँ पर टच करेंगे तो क्या होगा, पतला, और यहाँ पर टच करेंगे तो इसका थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी यहाँ पर थिन होगा और यहाँ पर थिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, थिक होगा, और यहाँ पर क्या होगा, थिन होगा। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसको कहेंगे, ए लेंस लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर। ठीक है, मिडिल पार्ट यहाँ पर क्या होगा, मोटा होगा, थिक होगा, और एज पर क्या होगा, थिन, यहाँ पर क्या होगा, थिन, और यहाँ पर क्या होगा, थिक। ठीक है, तो व्हाट इज लेंस, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय वन और मोर कर्व सरफेस, या बोल सकते हैं टू कर्व सरफेस। ठीक है, और कितने तरह के होते हैं, दो तरह के मिलने होते हैं, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस में जो मिडिल पार्ट है वो थिन होता है और एज क्या होता है, थिक होता है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, मिडिल पार्ट थिक होता है और जो एज होता है वो क्या होता है, थिन होता है। तो ये हमारा लेंस का इंट्रोडक्शन है, नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लेंस, टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस एंड टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसको पहले नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉनकेव लेंस एंड टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, एंड देन वी आर स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो विद इन वन वीक ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आप लोग अभी से एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर सकते हैं।
तो आपके पास अगर टाइम है तो एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर दीजिए, और आई होप बहुत सारे बच्चे लोग बनाना स्टार्ट भी कर दिए होंगे और ये खत्म करने वाले भी होंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टर्म में है, थ्री चैप्टर्स का सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या क्या है, मोशन एंड टाइम, हीट एंड टेम्परेचर एंड लाइट, ठीक है। दो चैप्टर जो बच गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड स्टॉर्म साइक्लोन, वो हम लोग सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।